भारत ने अब आतंकियों और आतंक के सरपरस्तों को डंके की चोट पर कह दिया है कि अब उनके सामने सुधरने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर वो फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर क्या किया जाएगा, क्या होगा, ये भी उन्हें बता दिया गया है। भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए, भाइयों बहनों आप मुझे बताइए, आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था? ऐसे नहीं, जवाब बड़े बड़े लोगों के कान तक पहुंचना चाहिए। आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था? आतंक के आकाओं को दो टूक संदेश देना जरूरी था या नहीं था? हमारे वीर जवानों ने सही जगह वार किया कि नहीं किया? मैं आप धारवासियों से पूछ रहा हूं, मेरे जनजातीय समुदाय के भाइयों बहनों को पूछता हूं, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे ईमानदारी से बताना, क्या आपको हमारी सेना की जो पराक्रम है, हमारी सेना का जो पराक्रम है, उस पराक्रम पर आपको गर्व है? गर्व है, गर्व है। साथियों, आपको लगता है कि हमारे वीर जवानों ने सही किया, पूरे देश को लगता है कि हमने सही किया? अरे सारी दुनिया ने कह दिया था कि हां, हिंदुस्तान के लिए यही मार्ग था, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हां, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगता है। भाइयों और बहनों, जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। साथियों, आज सुबह ही इन महाशय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना करार दिया है, यानी एक्सीडेंट है ऐसा कहा है, यानी एक हादसा जो बस हो गया। देशवासी समझ ले, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी रगों में पड़ा हुआ है। आतंकियों को बचाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए, अब ये उनके द्वारा किए गए हमले को सिर्फ एक हादसा बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या पुलवामा में जो हुआ वो हादसा था क्या, एक्सीडेंट था क्या? क्या ये आतंकी हमले की राक्षसी कृत्य की गंभीरता को कम करने की कोशिश है कि नहीं है? साथियों, नामदार परिवार के ये वही खास सिपाही सालार हैं
जिन्हें आतंक को बढ़ावा देने वाले अब शांति दूत नजर आने लगे हैं। ये वही महोदय है जिनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन शांति दूत लगता था। यही वो महाशय है जिन्होंने मुंबई के दर्दनाक आतंकी हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और जांच की दिशा को ही भटकाने का प्रयास किया था।